नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जूसी स्टोरीज। गाड़ी में क्या होता है, कितना भी कर लो, लेकिन क्या होता है कि अगर ओपन में है तो धूल हमेशा रहेगी रहेगी। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करें तो देखिए एक निशान ये आता है, ठीक है, ये वाला जो होता है ये बाहर से हवा आती है, ठीक है, और ये वाला जो होता है ये अंदर ही अंदर होती है। तो जब आप एसी चलाएं तो इसको इस वाले निशान पे रखते हैं, और जब भी आप गाड़ी अपनी पार्क करें तो हमेशा इसको ये रखें, वरना क्या होता है कि गाड़ी जैसे अगर आप बंद करेंगे तो ये हवा पास नहीं होती है, तो इससे क्या होता है गाड़ी ज्यादा गर्म आती है, फर्क इससे पड़ता है। तो हर किसी की जिंदगी में ना कोई दुख होता है, और मेरी जिंदगी में ये दुख है, गाड़ी पार्क करना मेरे को पसंद नहीं। क्या होता है घर के पास तो हो नहीं सकती, तो हमारी दूसरी लोकेशन में जो दूसरा जगह है वहाँ पार्क करने जाना पड़ता है। यहाँ मेरी स्कूटी तैयार है। जब GoPro था मेरे हाथ में तो ब्लॉगिंग अलग तरीके से हो रही थी, और जब ये है हाथ में अलग तरीके से हो रही है। GoPro में फ्लो बना हुआ था, इसमें क्या है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मतलब गजबजी जा रहा हूँ मैं। घर पहुँच गया हूँ, और ये रही हमारी एक गाय, ये हमारी दूसरी गाय, वो उसका बच्चा, ये भगुली की जा है क्या। डैनी, ये हमारा डैनी है, इधर इधर आ, इधर आ, हाँ। तो ये डैनी है जो घुआंग 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 करता है, तो अभी ये थोड़ा सा खुश वाले मूड में, तो मैं इसको कैप्चर कर लूँ, यही नहीं दिखाया हमने। तो हमारे पास एक कुत्ता है, तीन गाय हैं, बिल्ली गाय की कभी आती कभी चली जाती है। क्यों डैनी? डैनी अपने लिए हड्डी लेके आया था बाजार से, कहीं पर गिरी हुई थी तो उठा लाया था। है हमारी अशोक वाटिका, इसमें आपको मिलेगा बेलपत्री का पेड़, इसमें मिलेंगे आपको पारिजात का पेड़ जिसको हर सिंगार भी बोलते हैं, और ये गिलोई का है। तो ऐसे करके औषधि गुणों से युक्त ये हमारा गार्डन। तो अभी 10 बज रहे हैं, और अभी तक इसलिए नहीं नहाया गया है क्योंकि ये है मुआव, और ये बजने वाला है डैनी पे, ये लगाएंगे तेरे में, उसको पता लग गया है। तो डैनी नहाने को जा रहा है, और डैनी का दिक्कत क्या है, डैनी पानी से डरता है, और बिल्कुल जब भी हम उसको नहाने के लिए जाते हैं तो काटने को आता है, इसलिए इसके मुंह में मुआव बांध दिया है। मुआव दिखा अपना ये। तो अब इसको नहलाते हैं, नहलाते तो वीडियो बन नहीं सकती क्योंकि क्या है बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला आता है, मम्मी आएगी तो बना दी, अलग बात है। नहा लिया है, और इसका मुआव भी जो था वो खुल चुका था, आज लगम कर रहा है क्योंकि और टाइम बहुत हल्ला करता है। बुढ़ा हो गया हो तो ये है इसका शैम्पू, इसका अलग से इसके लिए शैम्पू भी आता है। इसको नहलाने में ऐसी हालत आती है, वो पसीना ही पसीना। इतना सुंदर दिख रहा है यार। आज बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आपको मिलेगा आज हम भगीरथ से भी मिलने वाले हैं। और बैठ गए हैं, पासबुक डबल हबल जो जो चीज होनी उनको यशस करना रहे, नंदिन खुदा कर भाई जाएगी, हाथ खुटला चाहिए, वहाँ काम करेंगे, काम करना है डबल लेना लगेगी भाई, दो बच्चे दोनों का अकाउंट पासबुक हर चीज का पता, तो कैसे होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले से क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे 10-15, तो उनको एक को पता होता, दो को पता होता था, फिर होते नहीं थे 10-15, क्या 10 तो होते ही थे। समय की बात बोलिए, अब दो बच्चे हैं, उनको पता है कि भाई UPI पासवर्ड मम्मी को नहीं पता होगा, बच्चों को पता होगा, क्या है कि ये वाली स्ट्रेटेजी अब कहाँ काम आती है, नहीं आती है। खूब भर कभी बक्स का आप शिरान पे धरा हो तुम बोला कि यार मम्मी शिरान भाई बख्श तो ये मैं के नहीं के हनल है। वो तुम्हारी जो वो है ना शादी वाली नथ है पुरानी जमाने, वो बढ़िया चीज है, उसको रख लेना तुम। शिरान भाई ये गौ माओ, गौ मटर माओ, मटर माओ, दो चीज तुम रख लेना, वो शिरान है, वो है लालन देने वाली। इब्रानी जिठानी आपस में बैठ कर शिकायतें कह रही है लड़कों की शिकायत। बताओ तुम कितना परेशान हो, तुम कितना परेशान हो। मम्मी ने तो बता दिया मैं इतना परेशान हूँ। मैं भी परेशानी हुई, सभी परेशान हुए आजकल। वो तायरी इसलिए भी बोल रही कि अभी मैं कुछ बोल दूंगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे डर भी रू ना। 8 बज गए लगभग, और बलि भाई को कौन मिलना है। आपके बहुत बड़े फैन है हम, आपका आलू भैया है ना, गोलू भैया की चेन वापस क्यों दी आपने, देनी नहीं चाहिए। अरे अभी सबका समझौता हो गया, फिर देना पड़ा मजबूरी थी। गलत बात है, आपने गलत समझौता, वो क्या वो आपस में रोने लगा, मैंने वापस दे दी, फिर मैंने अपनी चेन खुद दिया। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आपको पहचाना, मैं तो ढूंढते हुए आई थी कि कौन सी है देव, कहाँ है जोशी स्टोरीज। मैम आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रियंका। आपका? भावना। हरियाणा से आए हैं, हरियाणा से आए हैं मिलने के लिए, और बाकी कहानी तो उन्हीं को पता होगा क्यों आए हैं, है ना। मैं तो भैया से मिलने आई हूं, और एक और है इनके गोलू भैया। गोलू भैया यहाँ नहीं है, तो आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और मतलब क्या होता है ना
कि हमें मतलब पहले हम जब बनाते हैं उस समय नहीं लगता कि क्या हो रहा है, पर लेकिन जैसे ही मतलब बन जाता है और जैसे कोई आता है मिलने के लिए तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ बनाया था और कहीं पहुंचा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। कहां है भगीरथ, कहां है भाभी, वो गए मायके गए हैं, मायके गए हैं। देखिए आज की जो शाम है वो पूरी बन चुकी है, क्योंकि क्या है कि वो फीलिंग मतलब क्या है ना, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सेलिब्रिटी वाली। मेरे से पवन दा ने बोला था कि इस चीज को जो ये मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करो, क्योंकि क्या होता है कि ये आज ऐसा है, आगे जाने के बाद ही क्या होता है यूज्ड टू जाता है, तो वो फील नहीं आएगा जो अभी होता है, तो वो मेरे को अभी फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, रियली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम बहुत अच्छे लोगते हुए आपको आए हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, कीप इट अप। जो भी एक बार आपके ब्लॉग पे एक्सीडेंटली आ जाएगा ना, वो एडिक्ट हो जाएगा। तो ये काली चाय आ गई है बड़ी सा कुंतरु जैसी। ये वुडलैंड के जूते हैं, तो स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस क्या है कि वुडलैंड के जूते बहुत साल चलते हैं कहते हैं, तो जब तक भगीरथ के पैर अगर इतने बड़े हो जाएंगे तो पहली जो मेरी जायदाद का जो पहला होगा वो जूता दूंगा मैं उसको, ये वाला अपना पुश्तैनी जूता। और ये झंडे तो पहले जूता ही दिए, जो जायदाद में कुछ भी हो सकता है, खेत वाला होता है खेती करने वाला, वो क्या करता है, वो अपनी जायदाद में क्या कुटला देगा, अपना खेत देगा। अब मेरे पास जूता है तो मैं जूता दूंगा, है ना। ये भगीरथ की जा रही है तैयार, इतनी सुंदर दिख रही हो कैमरे में, असल में हो ना हो। तो ये जो कैमरा है ये किसी को भी मतलब कोई कैसा भी हो लेकिन सुंदर दिखाया था, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वो सच है कि आप सुंदर लग रहे हो, वो सच है। मत बोल दो कौन है बेटा, कौन है, पानी तो पियो, पानी ले आओ। तो मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, अंजलि लौट के बुद्धू घर को आए, आना ही पड़ा लेने के लिए, मैं तो मना कर दी थी, हम खुद घूम लेंगे किस्मत ने चाहा तो। ये बोतल है नानी, बोतल लेते हुए नानी बड़ी सुंदर बनी है। अब मत कहना कि वो अपने पापा जैसी दिखती है, बताया मैंने कि हाँ सभी, अब तो सभी कहते हैं, पहले कहते थे कि पापा जैसी लगती है, अब तो मम्मी जैसा ही देख के कहते हैं कि पूजा की मम्मी है। तो हम लोग अब चल पड़े हैं बर्थडे के लिए, और मेरा बहुत मन है उन जुड़वा बच्चों को देखने का। लास्ट टाइम भगीरथ छोटा सा था, अभी शायद 1.5 महीने का था या 2 महीने का, इसलिए मैं नहीं गई थी, और अब मैं आज मैंने कहा कि आज तो चलो हो ही आते हैं। मैं नहीं सोचा कि मैं घुमा लूँ इसको, तो मैं कल को ले चलो बद्दोबद्दी। तो हम पहुँच गए हैं जहाँ हमारा बर्थडे है, और वो हमारे दो मित्र, देखा हमसे नहीं मिलने हैं, हमसे मिलो, हम भाभी साथ नहीं मिलेंगे, हम कैसे बात कर रहे हो, आप भी तो मिलाते हो भाभियों से, ये तो रोज मिलते हैं। तो ये पूर्वी है और ये प्रणय है। मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है कि मम्मी भगवान ऐसे ही ट्विंस दे दे। देखिए मैं भी देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कितना काम करता है, इसी ब्लॉग को मेंशन करेंगे अगर ऐसा हुआ तो, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो तुम्हारी डाइटिंग में क्या हुआ? आज चीट मील है 15 days। हाँ ऐसा भी नहीं है, अच्छा एक्चुअली फूड इज अबाउट आवर सोशल एंड कल्चरल बिलोंगिंग्स, सो वी शुड ऑलवेज ब्लेंड इट। हां इसका इसका मतलब भी समझा दो, मतलब खाना सिर्फ हमारी डाइट पर डिपेंड नहीं करता है, हम जिस मतलब जैसे जिस समाज में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं खाने के थ्रू, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैं ओवर टाइम फालतू का खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से कह रही हूँ, पर अभी 15 days में 10 days में चलता है। मैंने ये भी खा लिया, ये भी खा दिया, मैं सब खा जाऊँगी। 9:30 बज चुके हैं और क्या खाना मेरा तो हो चुका है, लगा लगा के खा रहा है। देखो ये मम्मी मम्मी ये सासू माँ होंगी, हाँ सासू माँ वो मेरी माता जी। हाँ आजकल क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि मम्मी मम्मी है ना, ये सिर्फ लड़कों के लिए भी, ये लड़कियों के लिए भी लागू जाता है, तो बारा सासू माँ वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है और मम्मी और पापा वाला कंसेप्ट आ चुका है। तो भगीरथ को और भूख लग रही थी तो भगीरथ ने ले लिया है, क्या लिया भगीरथ ने, हाँ तो यहाँ लूटा लूट हो चुकी है। हेलो तुमने ये तुम हार गए या जीत लिए? नहीं मैं जीत लिए। तो ऐसा होता है टाइम पर ना, मतलब बच्चों को लगता ही कि मैं कितना जो रख लूं समय को, तुम कितने ले जाने वाले बताओ। ये जितने इसके हाथ में होते हैं। अच्छा ये क्या है, ये क्या है? तो बच्चों के साथ एक चीज हमने देखी है कि बच्चे के पास नोट आ जाए तो बच्चों को अलग ही मतलब वो इतना उसको फाड़ते हैं, 99% यही होता है कि बच्चों को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि माता लक्ष्मी है, उनका क्या है कि कितना बड़ी इम्पोर्टेंस है इस संसार में। कॉपी किताब तो फाड़ देते हैं। अच्छा
हाँ तो मेरी साली को भनक लग गई कि मैं उसकी दीदी के साथ हूँ, तो उसने सीधे तहकीकात करने के लिए सीधे वीडियो कॉल कर दी है। मैं तो जा रही हूँ अपने घर और ये जा रहे हैं अपने घर, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जोशी स्टोरीज। बाय 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 बाय। मेरा तो सिवा छोड़ के आता उसका। हाँ क्या हुआ आपका? छोड़ना हुआ ना, छोड़ा तुम छोड़ना। यहाँ भी छोड़ा ही था इन्होंने मुझे। हाँ। बस आके यहाँ पे छोड़ गए। हाँ। अपना गायब थे।